सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूँ एनी और आप देख रहे हैं स्वीट टाइम। जी हाँ, आपके पसंदीदा चैनल K21 पे आपका पसंदीदा शो। जनाब, स्वीट टाइम की टीम यानी हम आपको कराची के मुख्तलिफ मॉल्स में, बाजारों में, गलियों में मिलते रहते हैं और दिखते रहते हैं और आपसे आप ही की बात करते हैं। जी हाँ, और इसी सफर को हमने जारी रखा है। आज तो मैं बहुत दूर हूँ, आपसे करीब हूँ, लेकिन हम बहुत दूर आए हैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ जो कि वाकई नहीं होगी आपके हमारे लिए, और वो क्या है। जी हाँ जनाब, आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं बहुत दूर हूँ पोर्ट हासिल। जी हाँ, बहुत दूर हूँ और आपके लिए आई हूँ, अपने व्यूअर्स के लिए आई हूँ लेके एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बहुत ही नए किस्म का है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम क्यों आए हैं, ये तो बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मेरे जहन में और ये हम यकीनन जानेंगे। लेकिन हम हैं कहाँ, हम हैं अभी ज़ारा पैकेजिंग लिमिटेड पे। क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, पैकेजिंग होती है यहाँ पे और अकीदन ज़ारा या इस कंपनी का नाम है। हम इन कंपनी के ओनर्स में से बात करेंगे कि वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में कौन कौन से उनके क्लाइंट हैं, आखिर वो इतनी दूर यहाँ पे हमें ऐसी क्या चीज़ बना के दे रहे हैं जो कि इतना हमें सफ़र करके यहाँ आना पड़ा। ये सारी डिटेल आप जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चलना होगा अंदर। आए मेरे साथ, चलते हैं और जानते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है अफीकन ज़ारा पे। अच्छा जी व्यूअर्स, और हम इन हो चुके हैं अफीकन ज़ारा पैकेजिंग लिमिटेड में, और ये इनका रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे उन्होंने सिटिंग रखी हुई है और एक कॉरिडोर है जो हमें अंदर की तरफ लेके जा रहा है। तो आ जाए मेरे साथ, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ कि ये इनकी एंट्रेंस कैसी है। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोर्ट कासिम पे मौजूद अफीफ ज़ारा पैकेजेस लिमिटेड पे हैं और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बताने के लिए हमें और आपको कि यहाँ क्या काम हो रहा है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन कंपटीटर है इनका मार्केट में और ये कब से ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अफीफ और हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अबीब, आप K21 पे स्ट्रीट टाइम देखने वालों के साथ हैं, आप हमें बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कब से आप लोग हैं मार्केट में और किस तरह आपने स्टार्ट किया? जी, हमारा मेन बिजनेस है कॉरोगेशन से रिलेटेड। हम हर किस्म का कॉरोगेटेड बॉक्स बनाते हैं। हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी है, ऑल साइजेस, हर किस्म के साइज बनाते हैं हम। पिज्ज़ा बॉक्सेस से लेके बड़े जो है वो इंडस्ट्रियल कार्टून जिसके अंदर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, फ्रॉम अ स्मॉल बॉक्स टू अ लार्ज बॉक्स, एवरीथिंग वेयर। सो देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, जितना बड़ा बॉक्स चाहिए हमारे पास। तो व्हाट आई एम गेटिंग, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया है कि बेसिकली ये बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
जिसको हम हर तरह की प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा ही है जी? ये आप कार्टून से है, हम टेक्सटाइल में भी देते हैं, हम लेदर सेक्टर को भी देते हैं, हम फूड सेक्टर को भी देते हैं, हम फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मैंने जैसे बताया, हम गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको स्पेयर पार्ट्स के लिए भी कार्टन देते हैं, हम ऑयल वालों को भी कार्टन देते हैं। तो हम सारी मल्टीनेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, कोक, पेप्सी, फ्लिप मॉरिस, पिज़्ज़ा हट। ये मुझे बताएं कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको मुश्किलें आती हैं, और आपने क्या फेस की मुश्किलें, कि फोर फादर से था या आपने ही इसके लिए स्टेप इन हुए हैं? मेरे फादर ने ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करके मेरे हैंड ओवर कर दी कि जी आई हैव टू रन इट ऑन माई ओन। तो मैं उनके साथ पहले 2 साल काम कर चुका था, तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने फादर से लर्न करके यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ वेल एस्टेब्लिश कंपनी राइट नाउ, वी आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू 10 डिफरेंट कंट्रीज राइट नाउ, और पैकेजिंग में आई डोंट थिंक इस वक्त कोई भी है जो एक्सपोर्ट कर रहा हो टू यूके, टू दुबई, टू कतर। हम इंटरनेशनली सारी मल्टीनेशनल ब्रांड्स को, पिज़्ज़ा हट को जो है वो हम इंटरनेशनली सप्लाई कर रहे हैं, केएफसी को इंटरनेशनली सप्लाई कर रहे हैं। ज़बरदस्त, यानी ये वो कंपनीज हैं जिनका ट्रस्ट काफ़ी बिल्डअप है आपके साथ। और कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, और ये क्यों आपने सोचा, क्योंकि इतने मतलब हमारी यूथ का एक हिस्सा है आप माशाल्लाह, और हमारे यहाँ बड़ी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन इतना डिफरेंट आइडिया, और कितना अरसा हो गया आपको? हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे हम पेपर कप्स, बर्गर बॉक्सेस, बर्गर रैप्स, इन सब के ऊपर काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है कि पाकिस्तान में अभी तक इस मार्केट को किसी ने कैटर नहीं किया कि हम फूड ग्रेडेड प्रोडक्ट्स कॉरोगेशन में सप्लाई कर सकें। हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की तो हमारे पास पीछे से ऑलरेडी बैकिंग थी पेरेंट कंपनी की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो कस्टमर्स डेवलप थे। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता था कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, किस जगह पे उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हम उनको उन्हीं चीज़ों पे हमने पहले टारगेट किया कि जो हमारे कस्टमर्स को डिफ़िकल्टीज़ हैं हम उसको ख़त्म करें। तो उसके बाद हमारे पास नए कस्टमर्स और आए, क्योंकि उनको फिर रियलाइज़ हुआ कि यार जब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हमने इनको इतना अच्छा केटर कर दिया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, तो हम दूसरी कंपनीज भी हमारे पास आई कि जो उनके प्रॉब्लम्स थे हम उनको भी। आपको क्या लगता है कि इसकी हमारे पाकिस्तान में इस बिज़नेस की कितनी ग्रोथ है, और आप ही क्यों, मतलब इस चीज़ का आपको ही जहन में क्यों आया कि मैं इसको प्रिंटिंग की वजह से, या फिर आप उन कंप्लेंट्स को देखते थे, कंसीडर करते थे जो आपके क्लाइंट्स को थी? देखिए, कॉरोगेटेड कार्टन एक ऐसी चीज़ है कि वो हर इंडस्ट्री को चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फूड हो, आपका ऑटोमोबाइल्स हो, कोई एक इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं है जिसको कार्टन्स की ज़रूरत ना हो। और इस वक्त स्पेशली कराची में प्रोफेशनली कार्टन्स का काम करने वाली बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाया हमने, हमारे पास 7 बैक कॉरोगेटर है, जिसका अभी तक एज पर माई नॉलेज पाकिस्तान में दूसरा कोई और प्लांट नहीं है। हम इस वक्त जो है ई फ्लूड के ऊपर हम अपने पिज़्ज़ा बॉक्सेस बनाते हैं, वी हैव नो कंपेटिटर इन पाकिस्तान जो हमारी क्वालिटी का बॉक्स बना के मार्केट में किसी को दे सके। हम अपना पेपर खुद इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी मैक्सिमम चीज़ें इन हाउस रखते हैं। जो कुछ भी है आई थिंक वो आपने एक ही अपने ही पास इन हाउस करके, कि भाई आपका कस्टमर जो है मेरे ख्याल से वो आपकी प्रायोरिटीज़ में से है, आपकी प्राइमरी चीज़ जो है वो ये है कि उनको किसी तरह का कोई कंप्लेन ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, कस्टमर की हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कंप्लेन आए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि किसी को भी आप सप्लाईज दें तो 100% जो है आप एक्यूरेट हो, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ गलती की गुंजाइश होती है। बट वी टेक आर कंप्लेंट्स वेरी सीरियसली, हम उसके ऊपर फॉलोअप करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि वो एक दफ़ा जो कंप्लेंट आ गई वो दोबारा ना आए। और हम हर वक्त अपने कस्टमर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब हम डिलीवर कर रहे होते हैं फिर हम उनसे फीडबैक लेते हैं, हम किस तरह इम्प्रूव कर सकें, हम उनको कोई नई आइडियाज़ दें, हम उनकी फैसिलिटी विजिट करते हैं कि यार ठीक है आप कार्टन इस तरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं कि आपकी कॉस्ट भी कम आ जाए और हम आपको ऐसा प्रोडक्ट दें जो आपके लिए फीजिबल भी हो और अच्छा भी हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई बिजनेस की बातें, और कुछ टर्म्स तो ऐसी थी जो वाकई आपको पता होंगी। अभी हम मतलब अपने व्यूअर्स को और आप हमें अपनी लेबोरेटरीज वगैरह विजिट करवाएंगे? जी बिल्कुल।
ज़रा मुझे ये तो बताएं कि क्या एजुकेशन कैसी और फैमिली में, मतलब आप ही इसी मतलब इस तरह से बिजनेस केस में हैं या फिर और भी सिबलिंग्स में से कोई है? बाई एजुकेशन मैंने ACCA किया हुआ है और जहाँ तक सिबलिंग्स का है, आई हैव टू सिस्टर्स और बिजनेस में सिर्फ मैं इन्वॉल्व हूँ और माय फादर, तो प्रीटी मच मैं ही देख रहा होता हूँ फैमिली के अंदर पूरे बिजनेस। जो वालदैन होते हैं ना, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो फिर गलतियों की गुंजाइश जो है वो ज़रा कम रखते हैं, नहीं नहीं तुम यूँ नहीं करना, और बच्चे एक्सपेरिमेंटल होते हैं। डिफ़िकल्टी क्या आई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुश्किल लगी इन सारे काम को करने में? मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई क्योंकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया था कि ऑपरेशनली सारी चीज़ें मैं संभालूंगा, मेरी डिस्कशन पे होंगी, मेरा फाइनल जो सेइंग होगी वो मेरी होगी। और मेरे फादर ने मुझे जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड दिया, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मेरे इस बिज़नेस के अंदर, टोटली मेरे डिस्कशन पे होता है कि मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या पेपर प्रिक्योर कर रहा हूँ, किन रेट्स पे कर रहा हूँ, तो वो टोटली मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं। तो अब तो फादर भी बहुत सेटिस्फाई हो गए होंगे कि नहीं बच्चा सही कर रहा है, सही डायरेक्शन में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, और यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हम आ गए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि अभी तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं इस प्रोग्राम की, तो हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरह क्या प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, और आपने हमारे साथ साथ रहना है क्योंकि आपने बहुत कुछ जानना है, तो आइए चलो शुरू करें। व्यूअर्स, हम आ चुके हैं लेबोरेटरी में यहाँ पे, और क्या कुछ है मुझे तो नहीं आइडिया हो रहा, ये पूछते हैं हम वन बाय वन, हमें बताएं कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज हम ऑपरेट करते हैं। जी कहाँ हैं हम और क्या बताने जा रहे हैं आप? ये हम अपनी लेबोरेटरी में हैं, यहाँ पे हम अपने फिनिश गुड का, अपने वर्किंग प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल तीनों का हमारे पास टेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। जैसे ये इक्विपमेंट है, ये हम करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, जब मेरा पेपर आता है तो हम देखते हैं कि पेपर में स्ट्रेंथ कितनी है, एट एनी पॉइंट पेपर कब जाके बर्स्ट करेगा, उससे हमारी अपनी फर्दर कैलकुलेशन चलती है कि हम ये इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल एक कार्टन के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, फिर उसी हिसाब से हम चेक कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये हमारा मॉइस्चर एनालाइजर होता है कि पेपर के अंदर मॉइस्चर कितना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो कम ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हमारी जो है वो कार्टन की स्ट्रेंथ डिटोरिएट होगा प्रोडक्ट। फिर ये हमारा है वेइंग मशीन है कि पेपर की ग्रामेज निकालनी है। माइक्रोवेव यहाँ पे क्या कर रहा है? माइक्रोवेव यहाँ पे इसलिए है कि जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम थ्री लेयर फाइव लेयर और सेवन लेयर्स की जो हम बना रहे होते हैं, तो अब मेरे किसी क्लाइंट का कोई कार्टन का सैंपल आता है तो हम उसके पीसेस काटते हैं, हम उसको जो है वो सब 300-500 लेयर को डीलेमिनेट करते हैं, और अच्छा वो गीली करके डीलेमिनेट होती है, तो उसके बाद हम उसको माइक्रोवेव ओवन में डाल के उसकी मॉइस्चर निकालते हैं, तो हमें एक्चुअल ग्रामेज पता चल जाती है कि यार जो क्लाइंट ने हमें सैंपल दिया है उसमें किस ग्रामेज का पेपर लगा हुआ है, तो हम उसी हिसाब से हमारा आगे फर्दर स्टेप होते हैं कि हम अब कार्टन डेवलप कर रहे हैं तो हम उसी तरह से करेंगे। जैसे सही बता रहे हैं, मैं पूरा मेरे जहन में एक पिक्चर आ रही है कि क्या कुछ होता होगा, बड़ा एक केमिकल और मतलब कैलकुलेटिव चीज़ें, बहुत सुनने में ईजी है बट लिटरली इतना ज्यादा डीप में और इतना डिटेल में मैं नहीं समझती, एक नॉर्मल बंदे के लिए इजी हो गई। बस जब इंडस्ट्री में आते हैं तो इंडस्ट्री खुद ही आपको चीजें सिखा देती है। अच्छा, ये क्या है? ये भी मुझे कुछ माइक्रोवेव टाइप ही लग रहा है। ये बिल्कुल, ये माइक्रोवेव, ये है हमारा फर्नेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेपर हमारा जब रॉ मटेरियल आता है तो हम उसका एक पीस जो है वो काटते हैं, उसको वे करते हैं, उसके बाद हम इस ओवन के अंदर उसको डालते हैं विदिन 2-3 मिनट्स, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो पेपर को बिल्कुल जला के खत्म कर देता है, तो जो आखिर में हमारे पास उसकी ऐश रह जाती है हम उसको वेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें मिट्टी कितनी है, पेपर क्या नहीं होगा पूरी बिल्कुल, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि अगर
इसलिए जब मिट्टी ज्यादा होगी तो मेरे आगे जो प्रोसेसिंग में प्लांट है वो उसको डैमेज करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम चेक करें कि हमारे पेपर में मिट्टी की क्वालिटी कम से कम। जैसे फूड के जो लोग जानते हैं टर्म्स, उनको जब हमें कोई भी अपना फूड उसको मॉइस्चर खत्म करना होता है और उसे ज्यादा अर्से के लिए रखना होता है, तो वो इसी तरह के होते हैं ओवन जिन में उन्हें डाला जाता है और उससे उनका मॉइस्चर खत्म किया जाता है, जिस तरह के बनाना फ्राइज वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो इसी प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मेन प्रोडक्शन एरिया में। ये जैसे आप देख रही हैं, ये आपको पेपर रील्स दिख रही है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ये इस फॉर्म में हमारे पास रॉ मटेरियल आता है रील्स के फॉर्म में, इसको फिर हम कॉरगेटेड शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। शीट्स के बाद इसकी जो है प्रिंटिंग डाई कटिंग होती है, उसके बाद इसकी फोल्डिंग ग्लूइंग होती है और फिर ये फाइनली पैक होके ट्रक में लोड होके डिस्पैच होता है। ये हमारा मेन प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हम डालते हैं कि किस क्लाइंट का कार्टन बन रहा है, क्या उसका साइज है, किस स्पीड पे चलना है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वो सारे हम यहाँ डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स होते हैं जो इनको इस चीज़ को हैंडल करते हैं। इसी तरह आप देखें तो हमारे पास आपको बोर्ड पे पता चलेगा कि क्या क्या हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर चल रहा है, क्या स्पीड चली है, कितनी चेंजेस हो गई हैं, ये सारे डिटेल इसके ऊपर आती है। अच्छा, ना सिर्फ आपने अपने लिए, यहाँ पे मौजूद स्टाफ के लिए भी बड़ी फैसिलिटी के तरीके से काम किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम हो रहा है, मैसअप हुआ हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं जी। क्योंकि हम ऑल सारी मल्टीनेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके अपने ऑडिट्स होते हैं, उनके अपने SOPs होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम उसके अंदर कोई भी लैकिंग नहीं छोड़ते। जो उनके SOPs होते हैं हम पूरे वो ही फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पेपर यहाँ से आया, एक पेपर उधर से आया, तो ये मिल के एक स्ट्रेट पेपर होता है, एक वेवी पेपर होता है, ये पेस्ट हो जाता है साथ में। उसके बाद आगे जाके इसकी फाइनल लेयर इसके ऊपर पेस्ट होती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस प्रोसेस के बाद अब जो नेक्स्ट होता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जब पहले हम शीट बनाते हैं, तो ये शीट बनाने का पहला स्टेप हुआ है। अब इस शीट को कंप्लीट होने के लिए इसमें एक और फाइनल पेपर लगने की जरूरत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आगे लगता है। तो वो लगने के बाद फिर ये और हीटर्स में जाती है, तो फिर एक ग्लू की बॉन्डिंग होती है। ग्लू की बॉन्डिंग होने के बाद वो शीट हो जाती है। फिर हम उस शीट को थोड़े दिन छोड़ते हैं, एक दिन दो दिन, कि वो अपना मॉइस्चर वगैरह जो उस पेपर को रिएक्ट करना है वो करे, और फिर हम उसको प्रिंटिंग और डाई कटिंग पे लेते हैं। ये देखें, हम अभी ये पेपर लोड कर रहे हैं कॉरगेटर में, इसको वेव लेंथ बनाने के लिए। ये एक पेपर फ्रंट से ऐड होता है, एक पेपर बैक से ऐड होता है, दोनों जो है वो इस मशीन पे इनपुट होने के बाद ये कॉरगेटेड शीट बनती है इसकी। अब जैसे आप ये देख रही हैं कि ये दो लेयर का पेपर है, फिर टू लेयर का पेपर है, फिर ये सिंगल लेयर है, तो ये सारे मिल के जुड़ के एक शीट बनती है। अब मैं इसका फिनिश प्रोडक्ट आपको आगे दिखाता हूँ। कार्टन का साइज एक्चुअली सिस्टम में डिफाइन करते हैं और वो उसी हिसाब से कार्टन की विड्थ को कट करता है, आगे कार्टन की लेंथ को कट करता है, और हमारे पास फिनिश शीट के तौर पर हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल बाहर आता है। जो तीन पेपर्स वहाँ रोल अप हो रहे थे, उनकी ये थिकनेस होती है? ये बिल्कुल, जब ये सारे आगे जॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पे इसकी थिकनेस चेक करते हैं। राइट। हीटिंग का सिस्टम होता है जहाँ पे ग्लू की मेन बॉन्डिंग होती है, सारे पेपर आपस में एक साथ चिपकते हैं। ये सारी यहाँ पे काउंटिंग होके स्टैक हो रहे हैं। जैसी इसकी काउंटिंग पूरी होती है, तो ये देखें सारी पूरी हो गई काउंटिंग, तो ये अब नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे हुआ और ये हमारे पास रोलर्स पे ट्रैवल हो जाएगा, फिर हम इसकी पैलेटाइजेशन कर देते हैं। ये जैसे आप देख रही हैं, ये हमारी एक ही मशीन है,
जो इन पेपर रील से हमें कॉरोगेटेड शीट्स में कन्वर्ट करके देते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, 2 मीटर्स का इसका इसकी विड्थ है, यानी कि सबसे बड़ा कार्टन हमारा 2 मीटर्स का इसमें बन सकता है। और इसकी स्पीड हमारी बहुत अच्छी है, हमारी इसमें कन्वर्जन बहुत अच्छी है टनेज वाइज। और ये मशीन इस वक्त आपको पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर मिलेगी। और ये तो मुझे लग रहा है कोई वो केमिकल रिएक्शंस और कंट्रोलर टाइप कोई चीज़ है। ये हमारा मेन वो होता है कॉरोगेटर होता है, जो आप कोई भी कार्टन देखती हैं उसके अंदर जो पेपर की लेयर होती है, जो वेव बनी हुई होती है, ये मशीन वो वेव बनाने का काम करती है। तो ये जो आप सेटअप देखती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सारा ऑटोमेटिक प्लांट है हमारा। हम इसके पैरामीटर सारे इसमें इनपुट करते हैं, इसको कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर नहीं देना, वो सारा हम इसमें इनपुट करते हैं। मैन्युअली हम इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं। जी अब हम कहाँ पे हैं? बड़ा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। ये हमें अपने प्रिंटिंग और डाई कटिंग सेक्शन में, जब हमारे प्लांट से शीट्स फाइनल होके निकल आती हैं, उसके बाद हम इस मशीन में पीछे से इनपुट होती हैं। यहाँ पे ये जैसे आप देखेंगे तो प्रिंटिंग और डाई कटिंग होने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट हमारी यहाँ निकल चुकी है। इसके बाद सिर्फ हमारा पैकिंग का प्रोसेस होता है। जी ये हमारा फाइनल प्रोसेस है, इसमें हम अपनी प्रिंटेड शीट्स जो प्रिंटिंग और डाई कटिंग से आई होती हैं वो हम इसमें फीड करते हैं, और ये मशीन हमारे इसको बॉक्स के शेप में ला के ग्लूइंग करके इसका फाइनल प्रोडक्ट कर देती है। अब इसको हम डालते हैं इस मशीन के अंदर, जो इसकी मैंने आपको बताया था जो रिबन बांध देती है इसकी। अब ये मेरा प्रोडक्ट फाइनल हो गया, रेडी फॉर डिस्पैच। जी मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आ गया, और इतना डीपली ब्रीफली बताने का, इतना डिटेल में, सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकअल्लाह कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दी। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए भी कुछ मैसेज दें ताकि उनके लिए भी मोटिवेशन हो। थैंक यू वेरी मच आपके आने का। आई ऑलवेज इन्जॉय लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, लोगों को बताना कि किस तरह पाकिस्तान में काम हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत किया कि जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में गए तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि पाकिस्तान में भी इस स्केल पे इस क्वालिटी का काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम अपनी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये तो सभी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, और जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इज़ ओवर 200 मिलियन, तो हम कोई ट्रेडिंग मुल्क तो बन नहीं सकते, ये सर्विस सेक्टर में हम इतना फ्लरिश कर नहीं सकते, हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि दे शुड कम टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। बहुत शुक्रिया, वेरी ट्रू। और कोई भी चीज़ अगर ऑनेस्टी के साथ और बहुत ज़्यादा उसके साथ लॉयल हुआ जाए तो वो कुदरत भी आपका साथ देने पे मजबूर हो ही जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी नियत और इरादे क्या हैं। और यहाँ पे बनता है एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जहाँ बातें हैं और जहाँ काम हो रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं मज़ीद डिटेल जानूँ, और उसके लिए मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।